एमबीए भी कर लिए हैं बच्चे, बहुत इंजीनियरिंग भी कर लिए, कामयाब भी हुए हैं, लेकिन उन्हें दो मिनट अंग्रेजी में गुफ्तगू करना नहीं आता है, दो मिनट बात नहीं कर सकते हैं। मौलाना कभी स्कूल जाना ही नहीं हुआ मौलाना का, लेकिन अभी मैं आ रहा हूं, एक तमिलनाडु से कोई फोन किए और मौलाना 5 से 10 मिनट अंग्रेजी में बात किए उनसे, हालांकि मिस्टेक्स वगैरह थे, लेकिन अपनी बात को पूरा रखे, पूरा कंप्लीट माशाल्लाह। ये जो बोलना चाह रहे थे उस बंदे ने समझ लिया, और वो जो बंदा बोलना चाह रहा था ये समझ लिए, लेकिन जो मौलाना ने 10 मिनट बात की, ऐसे लाखों इंजीनियर्स हैं इंडिया में, ऐसे लाखों ग्रेजुएट्स हैं इंडिया में जो 5 से 10 मिनट इंग्लिश नहीं बोल सकते, जो मौलाना स्कूल कॉलेज ना जाकर भी 5 से 10 मिनट अंग्रेजी में गुफ्तगू किए हैं। क्यों? दुनिया घूमे हैं, समझे हैं कि जरूरी है सीखना, हर इंसान की जुबान सीखना और उससे कम्युनिकेट करना। तो यहां लैंग्वेज एक बैरियर हो जाएगा आप लोग को, एक रुकावट हो जाएगा, हाथ में सर्टिफिकेट रहेगी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो कॉन्फिडेंस जनरेट करें, कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करें, ये स्किल्स का जमाना है, स्किल्स आप सीखें, देखें किस में ज्यादा तरक्की मिल रही है, उस पर अपनी जवानी खपाएं, उस पर अपना वक्त खपाएं, मेहनत करें। और हर प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूं, आप जो स्कूल में जाते हो और जिस क्लासरूम में बैठते हो, उस क्लासरूम में 30 से 40 बच्चे बमुश्किल होते हैं, और उन 30 से 40 बच्चों के नाम आप बखूब जानते हैं और वाकिफ हैं उन चेहरों से भी, लेकिन आप सबसे दोस्ती नहीं करते हैं, आप दोस्ती बमुश्किल 3 या 5 बंदों से करते हैं। वही 3-5 बंदे आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकते हैं, और वही 3-5 बंदे आपकी पूरी जिंदगी आबाद कर सकते हैं। ये बर्बाद भी करते हैं, ये आबाद भी करते हैं। तो ये जो दोस्त आप चूज करते हो स्कूल में, कॉलेज में, बिलखुसूस स्कूलिंग के बाद में, आप 11th में जाते हो, 12th में जाते हो, या 12th कंप्लीट करके ग्रेजुएशन के लिए आप जाते हो, तो नया समय होता है, नया कॉलेज होता है, और नए लोग होते हैं, और वहां नए नए बच्चे बच्चियां जो नजर आते हैं आपको, आप दोस्ती करना शुरू करते हैं। तो 3 या 5 ऐसे बंदों से एक लड़का दोस्ती करता है, और वही 3 बंदे देखें मेक यू और देखें ब्रेक यू एज वेल। आपको बना भी सकते हैं, आपको बिगाड़ भी सकते हैं, आपको आबाद भी वही करेंगे, आपको बर्बाद भी वही कर सकते हैं। यानी आपको देखना पड़ेगा, ईदेन जब आती है ना, आप कपड़े लेना होता है आपको, आप जाकर ऐसे ही एक शर्ट आपने चुना और खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। आप 10 दुकान जाते हो, हालांकि 1000 का शर्ट होता है, 1500 का शर्ट होता है। अल्लाह ने जिन्हें पैसों से नहीं नवाजा वो तो 500 के शर्ट में भी खुशी से ईद मना लेते हैं, 200 रुपए का भी शर्ट लेकर सेल्फी लेकर बड़े खुश होते हैं। तो वो 200 300 500 का शर्ट लेने जो भी बंदे जाते हैं, और वो जो शर्ट लेते हैं तो ऐसा ही पसंद नहीं आता तो फेंक देते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर तीसरा, कुछ पसंद नहीं आया दुकान छोड़ते हैं, दूसरी दुकान में जाते हैं। ऐसे 10 दुकान में जाकर आप एक शर्ट खरीदते हो, बमुश्किल 1 साल 2 साल कोई पहनता है, उसको फेंक देता है, फिर दूसरा शर्ट लेता है। आपने शर्ट लेने के लिए 10 दुकान गए हो, अपने फ्रेंड्स को लेकर गए हो कि देखो आओ, मैं इतना अच्छा नहीं हूं सिलेक्शन में, आप मेरा सिलेक्शन करें, मुझ पर कौन सा शर्ट ज्यादा जचता है मुझे बताएं। आप फ्रेंड्स के साथ में टोली बनाकर जाते हो एक शर्ट खरीदने के लिए। अब जब आप एक से दोस्ती कर रहे हो, तब भी आपने रुकना वहां पर, उसको छूना, उसको पहनना, उसको समझना कि ये बंदा क्या 5 वक्त नमाज पढ़ता है, इसको जन्नत में जाने की फिक्र है, क्या ये वालिदैन की रिस्पेक्ट करता है, क्या ये टीचर्स की रिस्पेक्ट करता है, ये घर जाकर कुछ वक्त निकालता है अपनी पढ़ाई के लिए, इसके लाइफ में कुछ विजन, कुछ मिशन, कुछ गोल्स है या नहीं है। वरना मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दे गो टू स्कूल। कितना बड़ा देश है और कितने लाखों बच्चे रोजाना सुबह उठकर छोटे छोटे गाँव में, बड़े बड़े शहरों में, आपको सुबह 7 से 9 बजे के दरमियान देखें, सारे बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आएंगे। और वो बच्चों को रुकाकर अगर कुछ देर के लिए आप पूछ ले कि बेटा आप स्कूल क्यों जा रहे हो, दे हैव नो आंसर, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है कि वो स्कूल क्यों जा रहे हैं। और ऐसा वो एक दिन नहीं जा रहे हैं,
एक हफ्ता नहीं जा रहे, एक महीना नहीं जा रहे, एक साल नहीं जा रहे, ऐसा पूरा 10 से 12 साल जा रहे हैं और उन्हें पता ही नहीं क्यों जा रहे हैं। ऐसे बंदों को एमलेस स्टूडेंट्स कहते हैं। उनके पास में कोई एम्बिशन नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, कोई ड्रीम्स नहीं होते हैं। और जिनके ड्रीम्स नहीं होते हैं, जिनके एम्स नहीं होते हैं, जिनके एम्बिशंस नहीं होते हैं, वो जानवर होते हैं। ये जो ड्रीम्स, डिजायर्स, एम्स, गोल्स, एम्बिशंस, ये सिर्फ अल्लाह ने इंसानों के सीनों में डाले हैं, ये जानवरों के सीनों में नहीं डाले हैं। आज से 500 साल 1000 साल पहले जो लाइफस्टाइल जानवरों का था, हाथी का था, वो आज भी वैसा ही लाइफस्टाइल है उनका। उनके पास में आधार कार्ड नहीं है, उन्होंने अपने घर बेहतरीन अंदाज में नहीं बनाए। आप जाएं जंगल में देखें, आप वैसी जिंदगी जो 1000 साल पहले जानवर जिया करते थे, आज भी वैसे जी रहे हैं। लेकिन तरक्की किसने की है? इतने मखलूक, 18,000 मखलूक उलमा बताते हैं, इतने मखलूक और इंसानों की आंखों ने न जाने और कितने देखने हैं, हमने देखे नहीं, और न जाने कितने अल्लाह ने मखलूक बनाए हैं। और उन तमाम मखलूक का लाइफस्टाइल बिल्कुल एक ही है, बस खाना, बच्चे पैदा करना, पेशाब पखाना करना, सो जाना और लड़ाई करना, बस इतना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इंसानों के पास, अब हम लोग सब गैदरिंग किए हैं, ऐसा क्या कभी कुत्ते टॉक रख लेते हैं? कभी बिल्लियों को देखा आपने? चलो आज हम लोग बात करते हैं, ये बिल्कुल नहीं देखने को मिलता है आपको, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल रोजे अव्वल से लेकर रोजे कयामत तक एक ही तरह होने वाला है। और ये तरक्की जो कर रही है मखलूक, वो इंसान कर रही है, और इंसानों ने गजब की तरक्की की है। और वो जो गजब की तरक्की की है, वो कैसे की है? जो अल्लाह ने तोहफा दिया है आपको। मैंने 1000 रुपए का इनाम अनाउंस किया तो आप लोगों ने तालियां बजाई है, और उसी तरह कोई आपका दोस्त आपको लाकर एक गिफ्ट दे देता है, ये लो, मेरे अब्बू बड़े बिजनेसमैन है अमेरिका में, आईफोन लेकर आए थे, मुझे आईफोन पसंद नहीं, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। फिर तो आपको वो दोस्त आपके अब्बू से अच्छा लगने लगेगा। क्यों? मैं अब्बू को 3 साल से बोल बोल कर हंगर स्ट्राइक भी किया, कई दफा 3-3 दिन खाना भी नहीं खाया, मेरे अब्बू जालिम हैं, मेरे अब्बू तो समझते नहीं मेरे जज्बात को, मेरे दोस्त ने मेरे जज्बात को समझे और एक फोन दे दिए। इतना खुश हो जाओगे एक गिफ्ट की वजह से कि फोन, ऐसे पागल बच्चों मेरी बात सुनो, आपके अब्बू ने आपको पैदा किया, इससे बड़ा गिफ्ट इस दुनिया में कोई नहीं दे सकता आपको। आपके अम्मी अब्बू आपको पैदा किए हैं, उसका कोई मोल नहीं है, उसके बाद कोई चीज एक्सपेक्ट ना करें आप लोग वालिदैन से। अगर आपको मिल रहा है तो आप समझना कि ये बोनस में मिल रहा है मुझे, आपको पैदा कर दिए बस खलास, वही काफी है, उसके बाद आपने अपनी जिंदगी को संवारना है। अल्लाह ने आंख दिए हैं और बेहतरीन अल्लाह ने दिमाग दिया है, जबरदस्त तोहफा अगर आपको इस रुए जमीन पर मिला है तो वो है आपको अल्लाह ने दिमाग दिया है, और उस दिमाग से ही आपने समझना है कि ये दुनिया चीज क्या है, हमने इस दुनिया में करना क्या है। आप यहाँ पर 3 वक्त का खाना खाकर मरने के लिए नहीं आए हो, इस दुनिया में आप रेवोल्यूशन के लिए आए हैं, इस दुनिया में एक बदलाव करने के लिए आए हैं। आपकी शख्सियत से कम अज कम आपके गांव वालों को फायदा होना चाहिए, अगर देश वालों को आपसे फायदा नहीं हो रहा है, कम अज कम आपके घर वालों को फायदा होना चाहिए भाई, कम अज कम आपके बीवी, आपके 4 बच्चों को फायदा होना चाहिए। लेकिन नौजवान बच्चे जो जवानी के वक्त को बर्बाद करते हैं, और कुछ साल के बाद शादी होती है और बड़े अरमानों से बच्ची आती है कि मेरा हीरो होगा, मुझे ऐसा करेगा, मुझे लॉन्ग ड्राइव पे ले जाएगा, मुझे फलाने होटल पे ले जाएगा, मुझे हनीमून चांद पे भी ले जाएगा, ये सब ख्वाबे लेकर आती है, एक दिन में सारे ख्वाबे चकनाचूर हो जाते हैं जब उसको हालत पता चल जाती मेरे मियाँ क्या है। अब उसके पास ना जॉब है, ना स्किल्स है, ना एम्बिशन है लाइफ में, अब दोनों की जिंदगी बर्बाद। उसके बाद 2-4 साल के बाद, 5-6 साल के बाद 2-4 बच्चे पैदा होंगे, वो बच्चों की जिंदगी बर्बाद। क्यों? वो बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे सकता, न्यूट्रिशियस फूड नहीं खिला सकता, और नए नए जगह घुमा कर एंजॉय नहीं करवा सकता है। तो ऐसा आज हो रहा है, और ये जो नौजवान बच्चे आज स्कूल्स कॉलेजेस जा रहे हैं, 10-15 साल के बाद आपने भी तो शादी करनी है, आपके भी तो बच्चे होंगे, आप